संजू सैमसन के फैंस हैं बेकरार, संजू सैमसन के फैंस हैं बहुत ही ज्यादा बेकरार। उनको लग रहा है कि भैया कहीं संजू सैमसन टीम इंडिया की तरफ से खेलने से कर ना दे इनकार। हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू स्पोर्ट्स नेस्ट, मैं हूं आपके साथ श्रद्धा पांडे। देखिए संजू सैमसन एक ऐसा खिलाड़ी जिसे भारतीय क्रिकेट टीम से दूर रखा जाता है, मतलब क्यों रखा जाता है वो आज तक किसी के समझ में नहीं आया, लेकिन उनसे उनको जो है दूर रखा जाता है। साल 2015 में उनका डेब्यू हुआ था और वहां से लेकर अभी तक सिर्फ और सिर्फ 27 मैच उस खिलाड़ी ने खेले हैं और बहुत ही ज्यादा फैन फॉलोइंग है संजू सैमसन की। जिस तरीके से परफॉर्म करते हैं, जब भी मौके मिलते हैं उन मौकों को अच्छी तरीके से भुनाते हैं और अपना लोहा मनवाते हैं, वो अलग बात है कि भैया उनकी टीम में मैनेजमेंट को कहीं पर भी जगह बनती हुई नजर नहीं आती। उनके फैंस आपने देखा होगा, अभी फीफा वर्ल्ड कप 2022 चल रहा है, कतर में भी उनके फैंस मौजूद थे, हर जगह मौजूद है, केरला के तो हैं वहाँ पे, तो उनके आई एम श्योर फैंस हैं ही हैं और दुनिया के देश के कोने कोने में जो है उनके फैंस मौजूद हैं। लेकिन आपको याद होगा कि कल एक खबर आई थी कि भैया संजू सैमसन को एक बड़ा ऑफर आया है, संजू सैमसन जो है एक देश से खेलेंगे, इंडिया से नहीं खेलेंगे, दूसरे देश से खेलेंगे। वो देश था आयरलैंड का। जी हाँ, एक खबर आई थी कल कि भैया आयरलैंड की तरफ से आयरलैंड क्रिकेट बोर्ड ने संजू सैमसन को एक ऑफर दिया था कि भैया आप आइए और हमारे तरफ से खेलिए और शायद संजू सैमसन वहां के कप्तान भी बन जाते। ये खबर जो है सोशल मीडिया में आपकी तरह फैल गई थी। आप जानते हैं कि संजू को लेकर कुछ भी छोटी से छोटी चीज बड़ी हो जाती है, मतलब संजू के जो फैंस है वो तिल का तार बना देते हैं कुछ भी चीज संजू से रिलेटेड हो, क्योंकि बहुत ही ज्यादा टची है, बहुत इमोशनल है संजू के फैंस। तो एक खबर ये आई थी कि भैया उनको ऑफर आया है और संजू सैमसन ने इस ऑफर को इनकार कर दिया है, मना कर दिया। उन्होंने कह दिया है कि भैया मैं टीम इंडिया से ही खेलूंगा, मैं आयरलैंड की तरफ से नहीं खेलूंगा, मुझे मेरा देश प्यारा है। क्योंकि आप जानते हैं अगर आयरलैंड की तरफ से खेलते तो बीसीसीआई से सारे रिश्ते नाते हंस के तोड़ देने पड़ते, सारे नाते जो है बीसीसीआई से उनको तोड़ देने पड़ते, क्योंकि आप जानते हैं हमारा जो बोर्ड है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है इस मामले में कि वो खिलाड़ियों को बाहर खेलने की अनुमति नहीं देता। और अगर एक बार खिलाड़ी बाहर चला गया, बाहर खेल लिया, बाहर की तरफ से यानी दूसरे देश की तरफ से खेल लिया, तो फिर नो एंट्री यहाँ पे भैया, नो एंट्री हो जाएगी आपकी, आपको बीसीसीआई से सारे रिश्ते नाते तोड़ने पड़ेंगे, ना ही आप आईपीएल खेल पाएंगे, ना ही आप घरेलू खेल पाएंगे और इंडिया के तरफ से खेलना तो भूल ही जाइए। तो ये खबरें सोशल मीडिया में आपकी तरह फैल गई थी। अब हम आपको इस वीडियो में उस खबर का सच बताएंगे कि भैया ऐसा हुआ भी था या नहीं हुआ था, या सोशल मीडिया में ऐवें ही कुछ भी चल रहा है, तो इस वीडियो में जानिए वो। अधिकारी ने खोली पोल, देखिए अधिकारी ने खोली पोल, यानी हमने जो आपको सच बताने का वादा किया था वो ये था कि भैया अभी उसके बाद एक रिपोर्ट ये आई थी कि आयरलैंड की जो आयरलैंड क्रिकेट बोर्ड है वहाँ के एक अधिकारी से जब पूछा गया कि भैया आपने कुछ ऐसा ऑफर दिया था संजू सैमसन को, तो उन्होंने बिल्कुल इनकार कर दिया, मना कर दिया कि भैया नहीं, हमने तो ऐसा कुछ ऑफर ही नहीं दिया है, ये महज र्यूमर है, ये महज अफवाहें हैं जो सोशल मीडिया में फैल रही हैं आग की तरह, हमने कभी भी संजू सैमसन को ऐसा ऑफर ही नहीं दिया, तो महज ये एक अफवाह है। अब कमेंट्स के जरिए आप ज़रूर बताइए कि आपको ये चीज कितनी ज्यादा सही लगी कि मतलब यार ठीक है, मतलब माना आप लोग संजू के फैंस हो, लेकिन छोटी से चीज आप बड़ी बना देते, उसमें उसके बाद सोशल मीडिया पर सारी जगह कल यही चीज था कि भाई संजू आयरलैंड की तरफ से उनको ऑफर आया, बल्कि अधिकारी ने साफ साफ मना कर दिया कि भैया हमने ऐसा कोई ऑफर ही नहीं दिया। तो इसलिए आप कमेंट्स के जरिए आप जरूर बताइए कि कितना धक्का लगा आपको ये चीज सुन के कि भैया ऐसा तो कोई ऑफर ही नहीं था, ऐवें कुछ भी चल रहा था सोशल मीडिया पे। साथ ही साथ हमेशा की तरह अगर आपको ये वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को अपना प्यार दे दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और स्पोर्ट्स नेस्ट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है आपने, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर दीजिए।